Assalamualaikum students, my name is Usman. Future Vision Academy में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ. Students, हमारे पास ये chapter number 3 है. Chapter number 3, chapter name है dynamics का. और हमारे पास जो आज का topic है students, topic है Newton का तीसरा कानून. इससे पहले students, हम Newton के motion के हवाले से दो कवानीन read कर चुके हैं, जो कि आज का जो हमारे पास law है students, वो है Newton का तीसरा कानून. बेसिकली न्यूटन का जो तीसरा कानून है वो हमारे पास अमल और रद्द अमल के अकॉर्डिंगली होता है. यानी न्यूटन के तीसरे कानून में हमने अमल और रद्द अमल के बारे में पढ़ना है कि अमल यानी एक्शन और रद्द अमल यानी रिएक्शन क्या होता है. यानी इस टॉपिक में हमने एक्शन और रिएक्शन यानी अमल और रद्द अमल के अकॉर्डिंगली रीड करना है. स्टूडेंट्स, ये हम सब जानते हैं कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है. यानी अगर किसी भी चीज का एक्शन लिया जाए तो उसका रिएक्शन लाजमी होता है. तो न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक न्यूटन कहता है कि हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में एक्शन के मसावी लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है. यानी अगर हम इसको अपने अल्फाज में बयान करना चाहें स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि अमल और रद्द अमल बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होते हैं. यानी अगर किसी भी चीज का अमल होगा तो उसका रद्द अमल भी होगा, और जितनी फोर्स से अमल होगा उतनी ही फोर्स से रद्द अमल भी होगा. ये दोनों फोर्स के अकॉर्डिंगली बराबर होंगे लेकिन ये इनकी जो सिमत है वो मुखालिफ होगी. अगर मैं इसकी एक एग्जांपल खुद से लेना चाहूं स्टूडेंट्स, तो इसकी एक बहुत ही सिंपल सादा सी मिसाल है. यानी एक मेरे पास बॉल है, अगर मैं उस बॉल को दीवार के साथ बीट करता हूं, दीवार पर मारता हूं, तो मैं देखूंगा कि जितनी फोर्स के साथ मैं दीवार पर बॉल मारूंगा उतनी ही फोर्स से वो बॉल वापस रिटर्न मेरे पास आएगा. यानी कि मैंने जो बॉल दीवार के ऊपर मारा, मेरा बॉल को मारना मेरा अमल यानी मेरा एक्शन था, और जितनी फोर्स के साथ मैंने एक्शन किया दीवार ने उतनी ही फोर्स के साथ मुझे उसका रिएक्शन दिया. यानी कि मैंने जब बॉल को दीवार पर मारा तो बॉल पलट कर वापिस मेरे पास आई, जितनी फोर्स से मैंने बॉल को दीवार पर मारा था उतनी ही फोर्स के साथ वापस बॉल दोबारा मेरे पास आई. तो इससे साबित होता है न्यूटन का जो तीसरा कानून है कि अमल और रद्द अमल ये दोनों बराबर होते हैं लेकिन इनकी सिमत मुखालिफ होती है. तो हमारे पास जो कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम इसको जो है वो चेक कर सकते हैं कि अमल और रद्द अमल किस तरह से जो है वो बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होते हैं. सबसे पहले बिलफर्ज, मेरे पास दो तरह के इकसाम है ए और बी. मैं ए और बी दो तरह के इकसाम है मेरे पास. बिलफर्ज अगर ए मेरी बॉडी ए कोई भी फोर्स लगाती है वो उसका एक्शन होगा. यानी वो फोर्स लगेगी बॉडी बी पर और बॉडी बी जिस फोर्स से उसको रिटर्न करेगी वो उसका रिएक्शन होगा. यानी जो ए ने फोर्स लगाई वो एक्शन होगा और उसके मुकाबले में जो बॉडी बी है वो फोर्स लगाएगी वो बी का रिएक्शन होगा. स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों बॉडीज जो हैं वो फोर्स लगाएंगी, ए भी लगाएगी बी भी लगाएगी, लेकिन जो ए लगाएगी वो एक्शन और जो बी लगाएगी वो रिएक्शन होगा. ये दोनों फोर्सेस की मिकदार एक ही होगी लेकिन इनकी सिमत जो है वो मुखालिफ होगी. अगर हम एक दूसरी एग्जांपल लें, हमारे पास एक किताब और मेज की एग्जांपल है. लाइक एज मेरे पास कोई भी एक किताब है, उस किताब को मैंने मेज पर रख दिया है. अब जब तक उस किताब पर ये उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी वो एक तो किताब अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं हो सकती, लेकिन फोर्स के बाद वो किताब मूव हो सकती है. लेकिन किताब का भी एक वजन है, अगर उस वजन को अगर वो मेज पर पड़ी है तो किताब का अपना वजन जो कि मेज पर लग रहा है वो किताब का एक्शन है, और उसके अकॉर्डिंगली जो मेज ने उस किताब को सहारा दिया है वो सहारा मेज का रिएक्शन है. जिस फोर्स के साथ किताब मेज पर पड़ी है जितना वजन किताब का है
उतनी ही फोर्स नीचे से मेज लगाएगा उसको स्टेबल रखने के लिए, यानी कि किताब की जो फोर्स होगी, जो किताब का वजन होगा वो एज अ एक्शन होगा, और जो मेज की फोर्स होगी जिसने उसको एक जगह पर रुकने पर मजबूर किया वो मेज का रिएक्शन होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास जो रॉकेट है, रॉकेट भी न्यूटन के मोशन के तीसरे कानून की एग्जांपल है, तीसरे कानून पर काम करता है। लिहाजा स्टूडेंट्स हमारे पास जो आज का टॉपिक था न्यूटन का तीसरा कानून, सबसे पहले पेपर में इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि न्यूटन का तीसरा कानून बयान करें। अगर वो डेफिनेशन नहीं देता आपको तो सिंपल वो आपसे ये कह सकता है कि अमल और रद्द अमल में फर्क बयान करें कि अमल और रद्द अमल में फर्क क्या है। अलबत्ता अब इसमें एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि रॉकेट जो है वो न्यूटन के किस कानून की मिसाल है या किस कानून को जाहिर करता है। तो स्टूडेंट्स हमने जो प्रीवियस दो जो कानून थे न्यूटन के मोशन के हवाले से वो रीड किए थे, आज हमने न्यूटन का जो तीसरा कानून है अमल और रद्द अमल के हवाले से कि अमल और रद्द अमल बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होते हैं उसके अकॉर्डिंगली रीड किया, कुछ एग्जांपल्स को हमने रीड किया। मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह इस टॉपिक में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगी। शुक्रिया।